नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें दोनों लोकसभा मुजफ्फरनगर और बिजनौर को लेकर बड़ी रणनीति भी बनी। मंत्री जी, क्या रणनीति आज बनी संयुक्त बैठक? आज एनडीए की संयुक्त बैठक थी, क्योंकि आदरणीय जयंत चौधरी जी जो है एनडीए में शामिल हुए हैं और प्रत्याशी भी एनडीए घोषित हो चुके हैं। जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा की और बिजनौर लोकसभा के तमाम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के, उनके एक कोऑर्डिनेशन और समन्वय बैठक थी, परिचय बैठक थी कि किस प्रकार और किस रणनीति के तहत में हमें चुनाव में उतरना है, किस प्रकार और कैसे हमें अपने प्रत्याशी को भारी मतों जिता के भेजना है। उसमें एक तमाम सभी लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विचार रखे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी जो नारा है 80/80 और 400 पार का नारा साकार होगा। अच्छा, आपको मंत्री बनाने के बाद दोनों गठबंधन की बड़ी उम्मीदें बढ़ गई है। आज संजीव बालियान जी ने भी कहा कि अब दोनों लोकसभा क्षेत्र में 1-1 लाख वोट बढ़ गए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात कम है, लेकिन मेरे समाज के लिए सौभाग्य की बात बड़ी है कि आदरणीय संजीव बालियान जी ने यह बात कही है कि अनिल के मिनिस्टर बनने से वोट बढ़ी है। तो ये मेरे समाज को बड़ा संदेश है, विशेषकर दलित वर्ग को, और बहुत सारे हमारे तमाम साथी जिम्मेदार लोग, प्रधान वगैरह सब लोग यहाँ मौजूद थे। ये उनके लिए सम्मान की बात जरूर है और वो निश्चित रूप से ये अपने भाई का सम्मान रखते हुए जहाँ हम कहेंगे निश्चित रूप से वह एनडीए को वोट करने का काम भी करेगा। बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में सामने होगी, तो भी संभव है कि दलित वोटर इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी और एलडी गठबंधन को वोट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी तो 2012 के बाद में लगातार सामने ही है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो फील्ड में है उन्हें कुछ नहीं, अभी कुछ कहा जा सकता, वे रहेंगे या दूसरा होगा तीसरा होगा कुछ पता नहीं है, ढोल किसी के बज जाए, पर्चा किसी के भरा जाए। तो निराश है दलित वोटर बीएसपी से? नहीं, निराश नहीं है, मैं यही कहा निराश क्यों होंगे, ये राजनीतिक लोग हैं भाई, ये राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। ये जो है 2012 से इनका सूखा चल रहा, 2012 में के बाद में ना कोई पूछने वाला नहीं था। आज अगर आदरणीय जयंत चौधरी जी ने इनको सम्मान देने का काम किया है, एनडीए सरकार ने इनको सम्मान देने का काम किया है, तो आज ये भी अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, निश्चित रूप से एनडीए को वोट करने का काम करेंगे। बात ये भी आई मन से कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी कड़वाहट है वो खत्म कीजिए। कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट कुछ नहीं होती है। मान लो जब भी सत्ता और विपक्ष होता है वो अपने दायित्व निभाता है, कई बार कहीं कोई कमी पेशी हो जाती है और शोर सिफारिश देखो कार्यकर्ता के जो समस्या है उनका हल भी करना पड़ता है। कई बार वैसे तो कोई भी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, हमेशा जो है वो ये सोचता है कि कहीं मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, कोई गलत सिफारिश ना हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जानिश्ता कोई नहीं करता। आज उसी बात को लेकर समन्वय बैठक थी, कोऑर्डिनेशन बैठक थी और तमाम कार्यकर्ता देखो बड़े खुश थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनेगी, मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के नहीं, अपार बहुमत, बड़ा बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का काम होगा। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीट पर क्या परिणाम अपेक्षित है? अपेक्षित कुछ नहीं, अपेक्षित परिणाम नहीं, अपेक्षित जीत है, सर्टिफिकेट मिलेगा 100%, कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए और विपक्ष को तो काउंटिंग पे मेरे हिसाब से जाना मिलना चाहिए, गिनती पे ना जाए विपक्ष, क्या करेंगे जाएगा वहां, जब एक डब्बे वोट मारी पड़ेंगे वहां। अनिल कुमार पे बड़ा दायित्व है यार, खींचता ना अनिल कुमार के लिए भी मछली है, संजीव बालियान जी कह रहे हैं आधा आधा समय चाहिए। अनिल कुमार के लिए 24 घंटे कम पड़ेंगे काम करने के लिए, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, जहां जिम्मेदारी पार्टी लगाएगी और रात दिन एक करेंगे, रात देखेंगे ना दिन देखेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने इस गठबंधन को मजबूती के लिए जी जान से जुटाएंगे और शरीर का एक एक कतरा आदरणीय जयंत चौधरी जी का कर्जदार है, उनका कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे मैं और मेरा समाज। मुजफ्फरनगर में जो सामने प्रत्याशी हरिंदर मल्लिक जी, वो तो कह रहे हैं कि जब तक एक एक वोट ईमानदारी से नहीं गिनी जाएगी, शरीर में जब तक आखिरी श्वास है वो लड़ते रहेंगे। कोई नहीं, वो तो हो ही कर रहे, पता नहीं वहां काउंट में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो बड़ी बात अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और विपक्षी कैंडिडेट अगर काउंटिंग पे भी ना जा तो ज्यादा बेहतर।